बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कोरोना के पेश नज़र मुल्की हालात आप लोगों के सामने है, लिहाजा हमारे दारुल-उलूम स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। जी स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ असेसमेंट सॉल्विंग सेशन है हमारा और क्लास 10th है। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। द यूनिट ऑफ द रेशो इज़, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपके पास आ रहा है न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द डी ऑप्शन इज़ नो यूनिट। द करेक्ट ऑप्शन इज़ नो यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। जी स्टूडेंट, सेकेंड MCQs है, देयर आर डेट टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन 1 A, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 क्या है, 3 टाइप्स होती हैं, और ऑप्शन 4 क्या है, 4 टाइप्स होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, ऑप्शन बी आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड MCQs है, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी देन सी इज कार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड ऑप्शन है फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड ऑप्शन है मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कि जो सी होता है वो क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। फोर्थ MCQs है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज़, तो हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगानी है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई, सेकेंड ऑप्शन है बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, सी ऑप्शन है ए ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस वाई, सी डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है, जो कि है बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। फिफ्थ MCQs है, इफ़ सी ओवर डी इज इक्वल टू ए देन सी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है डी के, थर्ड सेकेंड ऑप्शन है बी के, थर्ड ऑप्शन है एफ के और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, विच इज़ सी इज इक्वल टू डी के। देन आपके पास आ रहा है MCQs नंबर 6, एक्स प्लस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल इज एन आइडेंटिटी रिलेशन इक्वेशन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन सी, विच इज़ इक्वेशन। सेवन्थ MCQs है, 2x/1 इज प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एन इक्वेशन नन ऑफ दिस, तो आपके पास ये क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, विच इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। If a over b is equal to c over d, then Componendo theorem property is a over a plus b is equal to c over c plus d, second option है a over a plus b c over c minus d, third option है a d over a c and the fourth option है none of these। तो correct option option a है, a over a plus b is equal to c over c plus d। तो नाइन्थ वाला MCQs है, द साइन दिस वेरीड एज, फर्स्ट इसका ऑप्शन है वेरीज एज, बी ऑप्शन है प्रोपोर्शनैलिटी, सी ऑप्शन है कांस्टेंट और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट इसका आंसर होगा वेरीज एज, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ MCQs है आपके पास, द आइडेंटिटी 5x+4 होल स्केयर इज इक्वल टू 25x² प्लस 40x+16 इज ट्रू, वन वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ एक्स या थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। द वर्ड पार्शियल मीन, फर्स्ट ऑप्शन है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन, बी क्वेश्चन ऑफ टू नंबर्स, सी पॉलिनोमियल, डी आपके पास है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आपके पास ऑप्शन ए इसका है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन। 12 आपके पास आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन इज, फर्स्ट वन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, बी ऑप्शन है कोशेंट ऑफ टू नंबर, सी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डी है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपके पास इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, फर्स्ट है आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड कोशेंट ऑफ टू नंबर, डी ए नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन बी, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। 14 वाला है इक्विलेंस ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड, ए प्रोपोर्शन, बी इनवर्स प्रोपोर्शन, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डी नन, तो इसमें करेक्ट आएगा ऑप्शन ए विच इज प्रोपोर्शन। 15 MCQs है, ज्वाइंट वेरिएशन इज कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नन ऑफ दिस।
तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के सॉल्विंग सेशन की आपको समझ आई होगी। फी अमान अल्लाह।